बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज आपके लिए कई सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होने वाली स्टफ़िंग यानी कि कीमे की स्टफ़िंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, कीमे के पेटीज़ में, कीमे के समोसों में, कीमे के पराठों में। इसके अलावा आप इसके अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन करके इसे किसी सालन में भी यूज़ कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर आप इस तरह कीमा रेडी करके रख लें तो आपको सहरी के अंदर सिर्फ इसमें दही टमाटर वगैरह भून के इसको मिक्स करना होगा, तो बहुत जल्दी आपका सालन रेडी हो जाएगा और फिर आप पराठों के साथ उसे इजीली खा सकते हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। फिलिंग का कीमा या भुना कीमा बनाने के लिए कीमा चाहिए है हमें आधा किलो। मटन का या बीफ का आपके ऊपर है, जो आप पसंद करें वो ले लें। ऑयल जाएगा इसके अंदर 3-4 टेबल स्पून या क्वार्टर कप तकरीबन। लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबल स्पून। एक मीडियम साइज़ की अनियन को फाइन चॉप करके हम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मसालों में नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी आधा टी स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून ये हम इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ भी यूज़ होंगी, थोड़ी सी फ़ाइन चॉप की हुई। और इसके अलावा हरा धनिया या पुदीना आप जो चाहें पसंद करें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्राइंग पैन के अंदर हम ऑयल डाल लेंगे। ऑयल के अंदर जाएगा अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और अब साथ साथ इसके अंदर चला जाएगा कीमा। लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ इसे अच्छे तरीके से हम भूनेंगे तेज़ आंच के ऊपर, ताकि ये अपना कलर चेंज कर ले और जो इसके अंदर से पानी रिलीज़ होना है वो रिलीज़ हो जाए। तो कीमे को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है और इसका तमाम जो पानी निकलता है वो भी ड्राई हो गया है। लहसुन अदरक के साथ ये बहुत ही अच्छे तरीके से भून गया है। अब इसके अंदर चला जाएगा ये तमाम मसाला। साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2-3 टेबल स्पून पानी, ताकि इस मसाले को खूब अच्छे तरीके से कीमे के साथ भून लिया जाए। तो हमने मसाले को अच्छे तरीके से मिला दिया है और अब हम क्या करेंगे कि आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे और कवर करके कीमे को जब तक ये पूरा गल नहीं जाता तब तक के लिए पका देंगे। तो अब 10 मिनट के बाद मैं कवर हटा रही हूँ और कीमा जो है ये देख लीजिए बिल्कुल ड्राई हो गया है। ऑयल भी इसके अंदर कोई ज़्यादा नहीं है। तो हम इसका स्टोव ऑफ कर देते हैं। इसके अंदर चला जाएगा हरा धनिया, साथ ही चली जाएंगी इसके अंदर प्याज और फाइन चॉप की हुई हरी मिर्चें। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और ये प्याज जो है ये गरम कीमे के अंदर ही थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, बस हमें इसको इतना ही सॉफ्ट करना है। लेकिन अगर आप फिलिंग के अंदर इसको सॉफ्ट करना चाहते हैं तो 2 मिनट पहले इसे भी शामिल कर सकते हैं, ताकि ये भी थोड़ी सी और पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। इसके अलावा एक टिप आपको और दे रही हूँ कि अगर आपको समोसे के लिए कीमा स्टफ करने के लिए बनाना है तो इसके अंदर खटाई पाउडर का भी इस्तेमाल होगा, और इस वक्त इसे भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। जितनी देर में ये कीमा ठंडा होगा तमाम चीज़ें अपना जायका इसके अंदर रिलीज कर देंगी और प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसे ठंडा कर लेते हैं और फिर मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मज़ेदार भुना कीमा या स्टफिंग का कीमा बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार है और इसके अंदर कुछ ऑप्शंस मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप पसंद करें तो इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया भी शामिल कर सकते हैं, गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं, अनार दाना भी शामिल कर सकते हैं। तो बेसिक मसाले यही रख के इसके अलावा आप अपने हिसाब से इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं।
तो ट्राई कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा मेरा एक फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिए, वहाँ आपको काफ़ी रिटन रेसिपीज़ मिल जाएंगी। एक डेली मोशन चैनल है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए और अपने कमेंट्स में अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करते रहिए, ताकि मैं उसी हिसाब से अपनी रेसिपीज़ को और अपने चैनल को इम्प्रूव कर सकूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।